रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है, सबको मेरा वॉइस आ रहा है। माइक टेस्टिंग, माइक टेस्टिंग। हेलो हेलो, जान खतरे में है, आवाज आ रहा है? एक्चुअली हम माइक वाला ले लिया, हेडफोन में जो माइक होता है ना, हम वो वाला खरीद लिया। इतना दिन नहीं था क्या आपके पास? नहीं, सारा ही नहीं आता इसका। अब वो खरीद लिया, उसी से कौन सा कंपनी था? कंपनी भूल गया। लॉजिटेक। लॉजिटेक सही है। चलो स्टार्ट करते हैं। तभी आपका वैसा वाला माइक होगा, उसके ऊपर के हेलो हेलो, प्लेन का एक्सीडेंट हो गया। मम्मी बोला तुम सीधा प्लेन क्यों उड़ा दिया? आ रहा हूँ। फिर आंटी ने चप्पल फेंक के मारा कि एक्चुअली सच्ची का प्लेन आ रहा है। हाँ सर। नहीं नहीं, मम्मी को दोपहर को, मम्मी को, मम्मी इतना प्यार से मम्मी को बोला, मम्मी को टॉन्ट मारते हुए कह दिया, बोला मम्मी अभी तक प्यार से बोला आप टॉन्ट मार रहे हैं। देखो आंटी क्या बोला, क्या ही बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा, टॉन्ट ही मार रहा है। चुप तो नहीं रह सकता, कोई ना कुछ तो, कुछ ना कुछ तो बोला ही होगा। मीट ओवर फंक्शन हेडिंग दे दो। तो मान लो हम वही ले रहा है ऐसी। अच्छा अब हम एक काम करते हैं, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, डन। अब तुम चेक करना लिमिट कैसे निकालना, बहुत आसान है। हाँ तो लिमिट क्या बताता है, मान लो हम ये बोल रहे हैं चाहिए फंक्शन एक्स इक्वल टू थ्री के लिए डिफाइन नहीं है, यानी कि एक्स का थ्री का वैल्यू को छोड़ के बाकी सबके लिए फंक्शन डिफाइन है, ठीक है, ओके डन, आगे बढ़े। पर तुम जानना चाहता रहा चाहे एक्स इक्वल टू थ्री क्या हो। हाँ क्या बोल रहे हैं? हाँ सर बोला। हाँ सर। तो ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, वन टू थ्री, वन टू थ्री डॉट डॉट, कहीं नाइन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये गोल दे देगा, क्यों? क्योंकि थ्री में डिफाइन नहीं है। तो फंक्शन कुछ ऐसा दिखेगा जो थ्री पे डिफाइन नहीं है, थ्री पे डिफाइन नहीं है, ठीक है। क्यों भैया? हम बस वैसा डिफाइन किया फंक्शन जो थ्री पे वैल्यू नहीं। अच्छा ठीक है ठीक है। पर हम थ्री में जानना चाहता है तो क्या करेगा हम थ्री के आसपास का वैल्यू देखेगा। हम क्या करेगा, हम थ्री के आसपास का वैल्यू देखेगा। तो देखो पहले हम देखेगा x at x equal to 2, तो बताओ क्या होगा y? 4. सिमिलरली हम at x equal to, obviously हम 2.5 जाता है, कितना होगा? 6.25. at x equal to 2.9, कल कितना आया था? 4.81 I guess, है ना? Sorry, not 4.81, 8.41 I guess, ठीक है? ओके अब कोई हमको जस्ट फटाफट कैलकुलेट करके बता दो। हाँ एट एक्स इक्वल टू 2.999। बाप रे, अरे कैलकुलेट कर लो ना भाई। तो 2.999 कर ले जाएगा तो मेरा पूरा बुढ़ापा निकल जाएगा। 999 8.9 6 7 0 1 8.9 8.9 8.4001। हाँ 994 तक जाओ। फाइनली एक कर देना x 2.69 अप टू 2 डेसिमल बता देना। वैसे आप डायग्राम में 1 1 3 क्यों लिखा है, 1 2 3 होना चाहिए ना? अच्छा ठीक होगा, वो एरर है। वेट, ये इसका है 8.9999940001। बस जो भी है, तो तुम देख सकते हो जितना 2.99 के क्लोज हो रहा है वही y का वैल्यू 8.9 के करीब जा रहा है। पहले 8.994 था, अब बाद में 8.999 ही आ गया। हां अच्छा, अब वहीं पे हम 3 का क्लोज का और एक लेना चाहता है, attack equal to 3.01, बताओ कितना आएगा फटाफट। कितना आएगा? मल्टीप्लाइड बाय, बाप रे मेरा तो 3.00001।
आया, नाइन पॉइंट हम कर लिया पांच अब कर जीरो चुका, हम कर सिक्स चुका। हाँ तो ये आया। अब तुम अभी। एक चीज देखना, हाँ अच्छे से ऑब्जर्व करना। तुम जब ट्री के लेफ्ट साइड से जा रहा था तो तुमको किसका करीब मिला? 8.9 बार फ्रॉम लेफ्ट साइड। और जब फ्रॉम राइट साइड जा रहा था, यानी कि राइट साइड से जब आ रहा था ट्री के करीब, तो क्या मिला? 9.000 समथिंग, जो भी है। ऑब्वियस सा बात, अब इससे क्या अंदाजा लगाएगा जो बीच में ट्री है एग्जैक्टली? ऑब्वियसली ये 8.9 बार भी 9 के क्लोज है, 9.00 समथिंग भी 9 के क्लोज है, तो एट एक्स इक्वल टू 3 में क्या रहा होगा? वाई का वैल्यू 9 रहा होगा। कंडीशन अरे हम वही तो बोल रहा है, हम इस वैल्यू इस फंक्शन के थ्रू कैलकुलेट नहीं करना चाहता है, तो वही उसको हटा दिया। अब हम बता देखना चाहता है अगर एट एक्स इक्वल टू 3 लेता तो क्या आने का चांसेस था। ठीक है, अब अगर इसमें बैठा अच्छा के ग्राफ से वेरीफाई, मैच करने का ट्राई कर रहे हाँ हैं। तो तुम वेरीफाई भी करेगा तो वो हो ही रहा है ट्रू, तो हम भले गैप दे दिया पर हम बस चेक कर रहा है एट एक्स इक्वल टू 3 में क्या आने का चांस था, क्या होना हो सकता है। अच्छा चलो वो तो उसके ग्राफ साथ चेक कर रहा था, चलो ये ग्राफ में क्या कंडीशन, आ ये रहा। कंडीशन ना भी डालो, चलो वेरिफिकेशन के हाँ लिए हम डालना चाहता है, तो भी हम एट एक्स इक्वल टू 3 डायरेक्टली फंक्शन से कैलकुलेट नहीं करके ऐसे अप्रोच करके कर रहा है, तो भी तो सही है ना। अच्छा चलो, तो ओपन वहां पे दिया हुआ हाँ है, तो अच्छा ठीक यानी है कि समझ लिमिटिंग गया। वैल्यू कुछ ऐसा होता था, हम ये लिख सकते हैं लिमिट लिमिट एल आई एम, अरे यार क्या हो गया, एल आई एम एक्स टेंस टू 3, टेंस टू 3 मतलब जो ट्री को अप्रोच कर रहा है, ट्री के करीब जा रहा है, ठीक है। एफ एक्स, वाई को एफ एक्स भी बोलता है, इक्वल टू क्या वैल्यू मिला? 9। मतलब जब हम लोग एट एक्स एक्स को 3 मतलब एक्स जब एक्स 3 को अप्रोच कर रहा है तो उस केस में लिमिट ऑफ एफ एक्स क्या है? 9। गुड आउट, यानी कि सब 9 को कन्वर्ज करेगा, सब 9 के पास आएगा, चाहे तुम लेफ्ट साइड से लो या राइट साइड से लो। गुड आउट, क्लियर? इसको अगर हम दो पार्ट में ब्रेक करें, लेफ्ट साइड और राइट साइड, तो ऐसे लिखता देखो, लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू 3 माइनस, 3 माइनस मतलब 3 का लेफ्ट साइड, 3 माइनस मतलब 3 का लेफ्ट सर साइड। हाँ आप जो एट 3.00001 लिखा है इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू 9.00006001 लिखा है, हाँ वो नाइन कैलकुलेशन पॉइंट निकालो और ना, वो जीरो। कैलकुलेशन निकालो ना, अच्छा मिल जाएगा ठीक, उतना ही है, अच्छा ठीक, मतलब 9 ही हुआ ना ऑलमोस्ट। हाँ तो बट तुम सुनो लेफ्ट, ना, जो ग्राफ पॉइंट किया था हम लोग हाँ उसमें जो इमेजिनरी रेडियस बना के ना, हम 3 से आगे डाला है उसको, लेकिन अरे वो ग्राफ को छोड़ो एक बार, 3 माइनस मतलब लेफ्ट हैंड, इसको बोलता है लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये कितना आता है? 8.9 बार, जो कि ऑलमोस्ट क्या है? 9। फिर राइट हैंड लिमिट मतलब राइट साइड, उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं लिमिट एक्स टेंस टू 3 प्लस मतलब 3 पॉइंट समथिंग एफ एक्स, वो भी मेरा क्या आया था? 9.0 समथिंग ही आया था, मतलब 9 ही आया, तो मतलब लेफ्ट साइड से भी 9 आ रहा है, राइट साइड से भी 9 आ रहा है, मतलब 3 पे वो 9 ही है। तो ये हो गया लिमिटिंग का काम, समझ गया? हम लोग अप्रोच कर रहे हैं नहीं एक फिक्स वैल्यू में, और क्या समझना है इसमें? भैया। हाँ अब जैसे मान लो हम लोग इतना लिया 3.00001, तो हाँ अभी तो हम लोग कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर अरे लिया। एग्जाम में 3.001 नहीं चाहिए ना, वो अलग केस है, ये तो हम समझाने के लिए बता रहे हैं, एग्जाम एग्जाम में ये सब पॉइंट का नहीं देगा, तो ये तो हम बस में एटलीस्ट आपको समझाने के समझाने लिए के किया है। लिए, एग्जाम में हाँ पॉइंट देगा या वो खुद से सोच लेंगे जैसे थ्री पॉइंट कुछ जीरो नहीं जीरो जीरो सोचना वन है, लेके ये वन चेक कर एग्जाम्पल लिया? लिया हम, ऐसा कुछ नहीं नहीं सोचना देगा है, एग्जाम, ऐसा कुछ करना ही नहीं है, हमें समझाने के लिए लिया है तुमको ये, तो चेक कैसे हम लोग थ्री को अप्रोच कर रहे हैं, अरे बोल एग्जाम में 3.001 इस टाइप टाइप का का कुछ क्वेश्चन होगा ही होगा नहीं, कोई भी सम्स में नहीं होगा एग्जाम में, हम लोग डिफरेंस कोई भी सम्स में नहीं करने वाला ऐसे, करके। ये तो जस्ट समझाने के लिए लिया हम, लिमिटिंग का कैलकुलेशन अलग तरीका से होगा, ऐसे नहीं होगा तो एट एक्स इक्वल टू एट एक्स इक्वल ये सब नहीं करने वाला हम लोग, ठीक है? ओके ये हम बस समझाने के लिए हाँ लिया है कि हम लोग 3 के आसपास चेक किया और देखा जी जब 3 को अप्रोच करा तो उतना वैल्यू आ रहा है, तो लिमिट का मतलब वही है जब व्हेन एक्स अप्रोचेस टू 3 एफ एक्स का वैल्यू 9 है, लिमिट का मीनिंग ये है। अगर तुम साइड में लिखना चाहता स्टेटमेंट, स्टेटमेंट कुछ ऐसा है इसका, व्हेन सर एक बात पूछूं, एक्स अप्रोचेस 3 एफ एक्स का वैल्यू क्या हो रहा है? 9, यही हो गया लिमिट। पूछो
पूछे। हाँ पूछो। अच्छा सॉरी, ये तो ये लिमिट्स का हम लोग लिमिट का शॉर्ट फॉर्म लिखे थे एग्जाम में। लिमिट का सोचो LIM। हाँ लिख हाँ सकते यही है, हैं। यही लिखने का तरीका है। इवन एक और है, लिमिट को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं LTFX। तुम्हारा चॉइस है, तुम LIM लिखो या LT लिखो, तो बट और कुछ ज्यादातर नहीं है केस ना, में LIM लिखता है। तो अगर हम पूरा लिमिट ही लिख दिए तो गलत हो जाएगा। हाँ, मतलब पूरा अगर हम लिमिट fx कर दिया तो गलत हो नहीं गया। यही, अरे लिखने का तरीका होता है, यही है। LIM लिखो या फिर LT लिखो, अगर इसके अलावा हम कुछ भी गलती से लिखो, कर दिए तो गलत हो मार्क्स जाएगा, वो कटेगा मान रहा है ऑब्वियसली। टीचर। सिंबल है ये, एक सिंबल को तुम तो कैसे ठीक है, चेंज तो करेगा। LIM ही फॉलो करें ना। हाँ, LIM ही फॉलो यार करना। भैया क्या हो गया क्लास को। कुछ नहीं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया जो 3 का लेफ्ट साइड है, राइट हैंड कर लिमिट हो लेना गया जो अच्छा ही 3 होगा का राइट इसके। साइड है। ठीक है, कोई डाउट, कोई इस चीज को उतारना चाहता है या समझ गया? हाँ उतार भी लेते हैं, ठीक है वैसे उतार तुम्हारा चॉइस है, लिख भी लो। लिया। डन। हाँ सर। अब ये एक फंक्शन देखो, ये अच्छा एग्जांपल होगा। कंसीडर द फॉलोइंग फंक्शन x²-4x-2। दिख रहा है, कोई बता सकेगा x≠2q दिया हुआ साइड में? वो तो नीचे अनडिफाइंड हो जाएगा ना, डिनोमिनेटर वो कट ऑफ हो जाएगा, हाँ वो डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा, पूरा नॉन डिफाइंड होगा अनडिफाइंड तो हो नहीं जाएगा, होगा। वो कोई जाएगा डाउट? अनडिफाइंड आ जाएगा वैल्यू। पक्का? हाँ सर। तो यहाँ क्या लिखा देखो। हाँ, कंप्यूटर वैल्यू ऑफ एच एक्स फॉर वैल्यूज ऑफ एक्स वेरी नियर टू 2 बट नॉट एट 2 एंड कॉन्विंस योर सेल्फ दैट ऑल दीज वैल्यूज आर नियर टू 4। जो हम अभी वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर में किया, वही तो किया, हम पिछला नंबर कन्विंस कौन करने का सा ये? कोशिश किया जी सारा वैल्यूज 9 के क्लोज है। हाँ यार, किया ना वो चीज। हाँ तो ये भी एक किया। फंक्शन है। अब हम वहां पे एक्स नॉट इक्वल लिया हो तो हम अपना तरफ से डिफाइन किया, ये अच्छा फंक्शन हो गया जहां पे एक्स इक्वल नॉट इक्वल टू 2 ऑब्वियसली है। बट अब देखो, बट हम कन्विंस, अब देखो ग्राफिकली कन्विंस करना आसान है, पर अब मैथमेटिकली कैसे दिखाएगा? हम तो तुमको दिखा दिया एक एक वैल्यू कैलकुलेट करके, पर एग्जाम में नहीं कर सकता ना। तो एक एग्जाम्पल ये ले लो, एच एक्स क्या दिया हुआ है, x²-4y(x-2) है ना, एक्स सर नॉट इक्वल स्क्रीन टू नहीं 2। दिख रहा। अब दिख रहा है, हाँ सर। टू फाइंड लिमिट साथ एक्स ही साथ टेंस लिख भी टू, लें। हाँ लिखते रहो, लिमिट एक्स टेंस टू एच एक्स, हमको ये फाइंड करना है। ठीक है, गुड आउट। तो नहीं अब यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नहीं निकाले अलग से, हम तो को बताएगा कहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना पड़ता है, कहाँ राइट हैंड लिमिट, और कहाँ नहीं निकालना पड़ता है। तो देखो, इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत आसान है। लिमिट एच एक्स एक्स टेंस टू 2 इक्वल टू, लिखने का तरीका ही ये है, लिमिट एक्स टेंस टू 2। ऑलरेडी जो फिजिक्स पढ़ रहा है उन लोगों को ऑलरेडी मिल चुका होगा ये, आई गेस। x²-4y(x-2) इतना हम बैठा दिया, ये नहीं इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 2। अब तुम ट्राई करो इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करने का, क्या कर सकता है? आया। एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू लिख दो ऊपर उसको, ए नीचे स्क्वायर ऊपर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है। कर। हाँ एक्स प्लस टू आ जाएगा इधर। हाँ एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू अब तुम ना एक एक्स चीज देखना। माइनस हाँ, हम तुमको बोला ना, क्या कभी 0/0 कटता है? नहीं। तो x-2 x-2, जब x का वैल्यू 2 बैठाएगा, ये तो 0 0 है, पर क्या ये कटेगा? पर एक्स का ना, वैल्यू टू नहीं हो सकता ना, बट एक्स यहाँ क्यूब वैल्यू कटेगा, टू बिकॉज है ही x नहीं का ना, वैल्यू 2 है ही नहीं, ये तो x नियर वही टू तो 2 बोल रहा है, है। वही या तो वही ये तो बोल रहा था कि 1.9 एक्स बार वैल्यू है या टू तो है ही 2.0 समथिंग बार है, समझ गया ना? नहीं, कट जाएगा। इसलिए हाँ यहाँ काटना काट आसान दो। है, समझ गया? हाँ हाँ भैया अच्छा अब क्या बचेगा, लिमिट एक्स टेंस टू 2 एक्स प्लस प्लस टू हाँ अब तो एक्स कोई प्लस प्रॉब्लम टू नहीं, अब प्लस बैठा टू दो, अब एक्स का वैल्यू बैठा सकता है, नहीं मतलब 2+2 कितना आया, 4। फोर तो ही। फाइनल स्टेज बैठा देता है, तो वही जब एच एक्स में एक्स टेंस टू 2 है तो एच एक्स किसको अप्रोच कर रहा है, 4, यानी कि जब 2 का नियर में एक्स का वैल्यू जा रहा है तो एच एक्स 4 का सामने जा रहा है, हम कर जाए कन्विंस। कोई तो डाउट? सर जो अपना एक्स बाई टू जो नीचे लिखा जो कंडीशन है वो हर बार लिखना पड़ता है। हाँ, लिमिट के नीचे हर बार लिखना पड़ेगा ऑब्वियसली, एक्स x/2 नहीं, एक्स अप्रोचेस टू बोलता है, हाँ अप्रोचेस वही एक्स मतलब। अप्रोचेस टू, ये प्रोनाउंसिएशन है लिमिट एक्स। अच्छा, अप्रोचेस नहीं बोलना चाहता तो टेंस टू 2 भी बोल सकता है, एक्स टेंस हाँ टू 2। टेंस टू अब टू चलो टेंस पता बोल नहीं देता ज्यादा अप्रोचेस कहाँ से अच्छा। बोले, यूजली हम भी टेंस टू ही बोलते हैं। वही टेंस टू टू ही होता है, वही हम भी नहीं, सोच रहे थे अप्रोचेस ना ही सही है। टेंस टू इनफिनिटी हाँ, अप्रोचेस भी लिमिट राइट एक्स है, टेंस अप्रोचेस गलत नहीं है, इनफिनिटी। पर हम अच्छा अप्रोचेस क्यों सोचा वो उनको याद नहीं है, पर अप्रोचेस गलत नहीं है, वो भी राइट है, हाँ सिनोनिम्स ठीक होगा। है ठीक।
एच एक्स टेंस हाँ टू सर तुम बोलो या आपका गलत अप्रोचेस बोलो होगा। तुम्हारा चॉइस है, पर टेंस टू ज्यादा बेहतर है, अप्रोचेस बड़ा वर्ड होता है, पर हम क्यों अप्रोचेस बोल हमको जाती है, पर तुम लोग करेक्ट करवा दिया करो जो भैया टेंस टू भी बोलता है ना, नहीं होता है बताना कभी कभी कैसे ऐसा करवा बातचीत दे। पता नहीं क्यों हो जाता है। अरे हम सोच रहे छोड़ो। तो समझिए ना कैसे सॉल्व करना, अब क्लियर है व्यू, हम लोगों को 3.001 2.001 नहीं बैठाना है, वो बस एग्जाम के हाँ लिए समझाने के लिए। थोड़े बहुत तो क्लियर हुआ है, नोट कर लेते तो और क्लियर हो जाएगा आपका। हाँ हम तो तो समझ नोट में करेंगे आया है ना, वैसे, अभी तो पता लिमिट का नहीं मीनिंग समझ गया ना, लिमिट क्या जब चीज के लिए क्वेश्चंस कर रहा है। देगा तब समझ में आएगा। हाँ हाँ भैया समझ अब गया। देखो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट का इस्तेमाल हम बताता है, ठीक है। एक सेकंड नोट कर लेते, एक मिनट। हाँ एक सेकंड से पूरा लिख लेते बस। हाँ अच्छा वो रीजन लिख दे कि एग्जैक्टली नॉट इक्वल टू बोल के कट गया। वो तुम्हारा चॉइस है, ऐसे एग्जाम में लिखने का जरूरत नहीं है। वो तो अभी लिखना ही पड़ेगा ना ताकि तुम्हारा डिनोमिनेटर डिफाइन हो जाए। हाँ पर तुमको लिखना नहीं है ब्रैकेट में, ऑब्वियसली ब्रैकेट अच्छा तब में ठीक कुछ है। नहीं लिखना है सब में। एक्स टेंस टू टू मीनिंग है ही नहीं वो, तुम कहीं भी अगर काटता तुम ये थोड़ी लिखता है ये हम इसलिए काट रहा है बिकॉज नॉट इक्वल जीरो है। तभी बट जस्ट जैसे फॉर हमने माय सर को रिमाइंडेशन हम बोल रहे। इनइक्वालिटीज जब कराया था ना तब भी सर बोला था कि अगर नीचे ऐसा है तो तुम सपोज एक्स नॉट इक्वल टू 4 लिख के तुम डायरेक्ट काट सकते हो, ताकि वो एक दिमाग में रहे ना इंसान के हाँ कि वो ऐसे हाथों हाथ तुम्हारा नहीं थॉट्स काटते के हैं। लिए है, जब तुम क्लियर है ताकि तुम्हारा दिमाग, जब भी तुम कोई चीज देखे तो तुम्हारा दिमाग में ये चीज बैठा रहे, अगर काट हाँ रहा है और तो वही देखना एक्स वो का जीरो वैल्यू नहीं होना सपोज चाहिए। अगर अगर नीचे 4 नहीं होना चाहिए और एक्स का वैल्यू में कहीं 4 आ गया तो हम लोग उसका आंसर की तरह तो एक्सेप्ट नहीं कर हाँ सकते नहीं हैं कर ना। सकता, वो चीज तो तुम्हारे दिमाग में रखना पड़ेगा, हाँ वो हम क्लास 10 में भी बताया था, ए एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग जो भी दिया है, अगर ऐसा है तो हमेशा नॉट देखना एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नॉट इक्वल टू जीरो होता है, मतलब के का इक्वल के टू एक्स जीरो स्क्वायर जीरो होता है। के एक्स स्क्वायर, तो जब नीचे के का वैल्यू आता है सपोज 0 1 आ गया तो ऑब्वियसली 0 नहीं होगा बिकॉज के इज द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर, एक्सेप्ट नहीं ये ऑलरेडी क्लास 10 में भी हम बहुत बार बताया है। मान लो के का वैल्यू सिर्फ 0 आया, इसका मतलब द वैल्यू ऑफ के डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज के 0 नहीं हो सकता, नहीं इसका हो एक सकता एमसीक्यू भी जितने दिया था तुम पागल लोगों को क्लास 10 में। डिफाइन होंगे। हाँ हाँ भैया नहीं बस हम नोट डाल के लिखते हैं ताकि हम जब रिवाइज करें तो हमको याद हाँ वो रखेंगे। तुम्हारा चॉइस है, देखो हम जब कुछ बोलता है ना तुमको लगता है तुमको वो नोट करना है, तुम नोट करो, हमको पूछने का जरूरत नहीं है, लागे हम वो चीज़ रिपीट कर देगा ताकि तुम लिखो। अभी तुम लोग उस लेवल भैया में आ गया जो तुमको पूछना नहीं है सर को, सर हम ये लिखे या नहीं लिखे, वो तुम्हारा चॉइस है, तुमको पता है तुमको कौन सा याद है कौन सा तुमको याद नहीं होगा, तुमको लगता नहीं ये लिखने का जरूरत है तुम लिखो, चाहे 1 + 2 = 3 ही क्यों ना हो, सही बात है। ठीक है वो तुम्हारा चॉइस है, सही सबका अपना अपना थिंकिंग है जो हमको क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। एक बेसिक चीज जो लिखना मैंडेटरी उसको छोड़ के जो की पॉइंट है वो तुम्हारा चॉइस है, तुमको क्या लिखना है वो टीचर या प्रोफेसर बताता नहीं है, वो तुमको लिखना है खुद से। चलो बताओ कौन क्या पूछ रहा वो हम पूछ रहा था कि ये स्टेप समझ में नहीं आया, ये मतलब 2 - 2 और टू x - 2 तो कट गया, है। हाँ उसके नेक्स्ट वाला स्टेप में हम लोग 2x टेंड्स टू 2 हाँ ऐसे सर लिखे ये बस हमको भी x समझ में इंक्लूड नहीं आया। जब किया। आप x का हाँ तो वैल्यू वही टू बोला फिर जब रिलीज x टेंड्स टू दिखाई टू है नहीं मतलब लिमिट को वैल्यू। हटाने के बाद हम लोग x का जगह वो वैल्यू बैठा देता है, अच्छा ओके लिमिट जब को हटा के फिर हाँ हम लोग न्यू लिमिट के वैल्यू बैठा हटाने देते के हैं। बाद मतलब हाँ लिमिट तो रहा नहीं अब हाँ तो क्या हम यहाँ पे लिमिट लिखा है क्या लास्ट सेकंड स्टेप में, नहीं लिमिट लिखा हटाया ना, भैया। तो जैसे लिमिट हटाया एक्स का वैल्यू बैठा दिया, गुड आउट। थोड़ा ऊपर करो ना हमको दिख नहीं रहा। क्या करना है ऊपर करो आप एक बार स्क्रीन को। ठीक है तो हाँ जी हाँ भाई ठीक। सर एक सेकंड नोट लिख रहे। अच्छा हम लोग स्टार्टिंग में 2 को इसलिए नहीं, लिमिट को इसलिए नहीं हटाया क्योंकि अगर स्टार्टिंग में हटा देता है तो डिनोमिनेटर में 0 हो जाता। हाँ डिफाइन नहीं होता ना फिर वो, अच्छा तो जब तक उसको डिफाइन है डिफाइन तब तक करना बैठा है। सकता है, जब डिफाइन नहीं होगा मत बैठाओ उसको, सॉल्व करो ठीक है। हो गया भैया एक सेकंड सर बोलो बोलना कुछ नहीं हम लिख रहे बस वही बोलेंगे। हाँ हो गया। हम ये फंक्शन डिफाइन किया और क्या ही फाइन करना है, ऑब्वियस बात है लिमिट एक्स टेंस टू 0 ऑफ जीरो एक्स। अब तुम चेक कर सकता है, तुम ये देखो 0 का लेफ्ट और 0 का राइट, क्या 0 का लेफ्ट और 0 का राइट में सेम फंक्शन है या अलग अलग फंक्शन है, अलग। इस बार फंक्शन को हम दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक 0 का लेफ्ट के लिए और एक 0 का, राइट के मतलब लिए। बेसिकली नेगेटिव एंड पॉजिटिव। हाँ वैसे ऑब्वियसली अब हम 1 का लेफ्ट बोलेगा थोड़ी वो नेगेटिव होता है, तो वैसे मतलब नेगेटिव पॉजिटिव, ये तो 0 था बोल के नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो वैसे ही सोचो जो भी नंबर उसका तो लेफ्ट बेसिकली राइट जीरो के रिस्पेक्ट में नेगेटिव पॉजिटिव। हाँ जो भी है, तो बस हम नेगेटिव पॉजिटिव नहीं लेगा, सो कंफ्यूज मत करो एक बार, मिक्स हो जाता है, तो 0 का सही लेफ्ट है और 0 का राइट। पर जो ऊपर वाला फंक्शन था क्या वो एट एक्स इक्वल टू में डिवाइडेड था लेफ्ट या राइट में, नहीं। इसलिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कोई काम ही नहीं है बिकॉज दोनों साइड सेम ही फंक्शन है, तो फर्क ही क्या पड़ेगा,
समझ रहा है? जब हाँ एक्स डबल टू भैया, बिठाएगा आना वही है, बट यहाँ सिंस मल्टीपल फंक्शन है उस पॉइंट पे, तो लेफ्ट में अलग आने का चांस है, राइट में भी अलग आने का चांस है। है पूरी सेम आ गया तो अच्छा बात है, पर अलग आने का भी चांस है, इसलिए यहाँ पे हमको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों अलग से निकालना पड़ेगा, ठीक है ना? तो देखो पहले एलएचएल निकाल ला, एलएचएल लेफ्ट हैंड, तो लिमिट एक्स टेंस टू क्या लिखेगा, 0 - f(x) = लिमिट एक्स टेंस टू 0 - f(x) का जगह क्या बैठाएगा बताओ, 0 - मतलब 0 से कम, यानी कि लेस देन 0, तो लेस देन 0 के लिए कौन सा 2 है, तो ऑब्वियसली इसका जगह क्या बैठाएगा 2। अब जब लिमिट हटाएगा तो 2 ही रहेगा, बिकॉज एक्स तो है ही नहीं इसमें, हाँ भाई कांस्टेंट फंक्शन वही रहता है। सिमिलरली आर एच एल लो, राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू 0 + f(x), 0 + मतलब क्या होता है, 0 के थोड़ा आगे वाला वैल्यू, 0 के थोड़ा आगे वाला वैल्यू, यानी कि 0 से बड़ा, यानी कि 1 1 1, क्या दोनों इक्वल आया? नहीं तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, तो ऑब्वियस सब बात है, इससे ये डिफरेंट। पता चल रहा है कि एट x = 0 में कोई और नंबर होने का चांस है, ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू फंक्शन 1 है, ठीक है, पर वैसे इक्वल नहीं है, कोई डाउट? नहीं तो एक्स किसको अप्रोच तो कर रहा बस है ऐसे 2 मिनट बताओ, देना, लिखा नहीं एकदम भी। भैया हाँ सर सेकंड केस में ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 नहीं है क्या? भाई क्या बोल रहा, पहला केस में, सेकंड केस में, पहला केस में पहला हम ग्रेटर एक्स को ग्रेटर और इक्वल टू माने, तो सेकंड केस केस में 0 को ग्रेटर या इक्वल टू नहीं होगा? आते हैं, तो एक बार माने मान वैल्यू लो कैसे आएगा, कि एक पॉइंट में दो वैल्यू कैसे एग्जिस्ट करेगा, एक बार देने से हो जाता है मतलब दिक्कत, किसी भी एक को लेते कर सकते, ऐसे वो कोई सी भी नेसेसरी देगा ना, जीरो हम माइनस थोड़ी ही बना करना रहा है खुद से, हम बना रहा है बिकॉज हम एग्जांपल ले रहा है, दिया। क्वेश्चन वाला देगा ना कहाँ अच्छा इक्वल देगा, क्वेश्चन में दिया, ओ सॉरी सॉरी, हम क्वेश्चन पढ़ा नहीं था। वो तो क्वेश्चन देगा थोड़ी तुमको फंक्शन बनाना है, अच्छा हम क्वेश्चन तो ये पढ़ा बोल नहीं था सकता ना, है देखो, इसलिए हम दो क्वेश्चन तुमको पता है f 0 = 1 होगा, हाँ या ना, अकॉर्डिंग टू फंक्शन, पर हम यहाँ बोलेगा लिमिट हाँ एग्जिस्ट नहीं करता, लिमिट एक्स टेंस टू 0 f(x) does not exist, ठीक है, या समझा लिमिट नहीं एक्स, भैया, वो वापस समझाओ। यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता ना, दोनों तरफ से सेम पॉइंट के अप्रोच नहीं कर रहा है, अभी तो आप मतलब मेरे को बोल रहा था कि आप नेगेटिव पॉजिटिव का केस नहीं लेगा, तो फिर आप नेगेटिव और पॉजिटिव क्यों लेगा? क्या नेगेटिव पॉजिटिव, अरे यहाँ पे आप अभी बोलते तक ना क्या नेगेटिव डिफाइन और किया, यहाँ पे पॉजिटिव। लेफ्ट साइड और राइट साइड के लिए दोनों फंक्शन अलग है या नहीं, अरे हमेशा इक्वल आते ना, अच्छा सपोज 2.9 बार एक आएगा सेकंड तो अभी वो रुका, थ्री एक को अप्रोच सेकंड करेगा, और थ्री एक पॉइंट सेकंड जीरो बार भी एक थ्री को सेकंड, ही अप्रोच तो करेगा। एम सुनो, यहाँ पे हम नेगेटिव और पॉजिटिव वाला इसलिए लिया, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, बिकॉज हम जो पॉइंट देख रहे हैं उसका लेफ्ट साइड वाला फंक्शन अलग है और राइट साइड वाला फंक्शन अलग है, जब उस पॉइंट का लेफ्ट साइड और राइट साइड वाला फंक्शन अलग होता तब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट लेते हैं, ठीक है? ऊपर वाला में अच्छा वैसा नहीं था, क्या ठीक, ऊपर वाला में फंक्शन अलग था 2 - और 2 + के लिए, नहीं नहीं पर नहीं नीचे वाला था। में 0 - और 0 + के लिए अलग है ना फंक्शन, हाँ, पर f(0 = 1) अच्छा है इस बात में भी एग्री करता है, क्या डिनाई करता तुम? नहीं नहीं। करता। हाँ, पर सिंस दोनों का लिमिट इक्वल नहीं आया, मतलब बोथ साइड से सेम पॉइंट को अप्रोच नहीं कर रहा, ना लेफ्ट साइड से कर रहा ना राइट से कर रहा है, लेफ्ट से भी नहीं कर रहा राइट से अच्छा भी नहीं कर रहा, इसलिए हम लोग बोलता लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसका लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए ओके बोथ साइड से सेम पॉइंट को अप्रोच करना पड़ेगा, कोई अच्छा डाउट? एक मतलब कंकुट डाउट, आप मीटिंग पॉज है क्या आपका? नहीं है, क्यों पॉज होगा? अच्छा रुको, तो एक बात बता, जब एक्स का आप जो नेगेटिव 0 लिया था, हाँ एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव 0 आया था जीरो आपका, तो जब माइनस आपने लिमिट हटाया तो 0 - ((2)) होना चाहिए ना। क्यों 0 - 0, अरे हम लोग एक्स का जगह बैठाता है, वो तो कांस्टेंट फंक्शन है, वहां पे एक्स है कहीं पे, तो लिमिट की जगह में आता है। अच्छा जब लिमिट ओ हटा सॉरी सॉरी, नहीं, अच्छा ठीक है, अगर अच्छा मान हाँ लो, हाँ समझ गया समझ। टू एक्स होता तब हम एक्स का जगह जीरो हाँ बैठाता समझ ना, गया, हाँ जब तब फिर बोलेगा अपना केस में हम बोल रहे माइनस टू होता fx, था हम आंसर। बोल रहे fx = 2, तो एक्स का जगह जीरो बैठाने से भी तो 2 ही रहेगा ना, हाँ समझ गया ना, ध्यान, हाँ तो मतलब सीधा फिर एक्स अगर का हम जीरो लोग का बैठाएगा केस में कहाँ, मतलब एक्स भी आता तब हम लोग का वैल्यू आंसर माइनस टू होता था। -2 क्यों होता है, 0 - इज नॉट नेगेटिव गधा, अच्छा हाँ हम सॉरी, लोग एक्स का जगह जीरो सॉरी बैठाता, सॉरी, जीरो सॉरी। माइनस या 0 + नहीं बैठाता, 0 - इज ए सिंबल टू अच्छा डिनोट दैट लेफ्ट हाँ साइड ले रहा है,
जीरो से छोटा ले रहा है, हाँ जीरो प्लस इज ए सिंबल टू डिनोट दैट हम जीरो से बड़ा ले रहा है, जीरो माइनस एंड जीरो प्लस इज नॉट ए नंबर जो तुम बैठा रहा है। जब हम लोग एक्स का जगह बैठाएगा तो समझ जीरो ही बैठाएगा, क्लियर? अच्छा हाँ सर, तीन चार समझ करेगा तो इलेक्शन और ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है? कोई डाउट तो तुम बुक में देखेगा, लिमिट इन्हें समरी हम ऑलरेडी बोल चुका। लिमिट जब ए माइनस लेता है तो उसको क्या बोलता है? लेफ्ट हैंड लिमिट। जब ए प्लस लेता है राइट हैंड लिमिट। अब तुम लोग ये यहाँ उतारना तो उतार मैं यहाँ पर देख रहा हूँ सर, एक बार वो वापस से दिखाना, वो वाला स्क्रीन मेरा लास्ट का एक लाइन बाकी था, देखा लिख नहीं लेना है, एक बार को पहले ये देख लो, लिखना है क्या? वो तुम्हारा चॉइस है, तुम लिखना चाहता तो लिख लो, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बता नहीं चुके हैं। छोड़ूंगा, मार्कर लेगा तो मैं बेकार नेटवर्क स्लो का चल रहा होगा टाइम फिलहाल उसका। जा। आपको आवाज पूरा आ रहा है बट मेरे को स्क्रीन ही नहीं दिख रहा। बाकी को स्क्रीन दिखाई दे रहा है समरी वाला? हाँ व्यूम दिख क्यों रहा है, नोट कर रहे हैं अनुष्का तुम्हारा? सर लिखेंगे नहीं, एक बार लेफ्ट लिखूंगा लेफ्ट करके वापस आ दूसरी जाओ, तुम लेफ्ट करके आओ फटाफट, सर लिखेंगे नहीं। लिख लो ना सीधा ये उतारो, लिमिट एक्सटेंशन ऑफ एक्स इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड लिमिट, ऐसे लिखो, ये करके इज कॉल्ड, ये लिख के इज कॉल्ड, अच्छा और जब ठीक है दोनों ठीक इक्वल है, हो तो जाता दो है तो हम मिनट बोलता है लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स, वो हम बोल ही चुका ऑलरेडी, ये थर्ड पॉइंट मत लिखो बट हम बोल चुका है, जब इक्वल होता है तो लिमिट एग्जिस्ट, नहीं लिखे ना, हाँ मत ठीक लिखो, है ठीक है, एक थर्ड सेकेंड पॉइंट हम ना, बता देगा कैसे लिखना है, तो पहले ये तो लिखो लिमिट लिमिट, हमें उतार लेता ना तो बेहतर होगा, रुको हो गया लिखी है तो नहीं चाहिए, लिख ही लिया लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड लिमिट, गो डाउट था, हम इक्वल्स टू करके लिख दिया, इक्वल्स मत लिखो, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स इज कॉल्ड राइट हैंड लिमिट, गो डाउट इफ नहीं सर, एल एच एल इक्वल टू आर एच एल देन लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट, अच्छा सर मेरे बैकग्राउंड से म्यूजिक आ रही है आपको, नहीं मेरा बैकग्राउंड से आ रहा है क्योंकि मम्मी लोग सीरियल देख रहा है, नहीं मेरे से तो नहीं आ रहा ना, मेरे पीछे टीवी चल रहा था, मतलब दूसरा रूम में आवाज देन आने का चांस है, लिमिट एफ एक्स आनिश प्लस बोल वन देना एफ म्यूट एक्स, कर लेगा, लिखो तो चुपचाप, सॉरी ठीक है सॉरी, देन लिमिट एक्सटेंड्स टू एफ एक्स डज नॉट एक्जिस्ट, खत्म, यही पॉइंट्स लिखो, उतारो फटाफट। अनुष्का आ गया, हाँ जी भैया, दिखाई दे रहा है? हाँ अभी दिख रहे हैं चलो करो, भैया आवाज आ रही है? हाँ आ रहा है, अभी जैसे लैपटॉप का माइक्रोफोन यूज कर रहा था, कोई बात नहीं, इतना दिन हम भी लैपटॉप का माइक्रोफोन से पढ़ा रहा था, इसलिए हम देखा जाए रिकॉर्डिंग में यूट्यूब वीडियो साउंड कम आ रहा है, अब आपका आवाज कम हो गया अचानक से, हाँ उफ, अब आ रहा आवाज, हाँ चिल्लाओगे तो सबको ही आवाज आएगा ना, नहीं भैया का माइक दूर चला गया था, वो शायद नीचे हो गया होगा माइक्रोफोन, अब ठीक है ना? अब तो एग्जांपल वन सर, टू आप एच एक्स लिखा ना, एच लिखा चाहे एक्स, एफ लिख लो, एच लिख लो, फंक्शन फंक्शन होता है, नहीं एच लग रहा था पहला वाला थर्ड कोई पॉइंट बात नहीं, इसलिए, वो ब्रैकेट को लेके ही लग रहा होगा, अच्छा सर ये एल एच जब तक लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया ना हाँ तो हम कंफ्यूज हो गए, तब बोला आप गलत लिख दिया पहले, फिर हम ध्यान दिमाग लगा के सोचा, तुम बहुत ज्यादा ही कंफ्यूज होता हमको ऐसा लगता है, अरे हम इतना ध्यान नहीं देना कि लिमिट यूज होता है, देखा आल एल एच एस होता है, आप एल एच एल क्यों लिख रहे हैं, इतना मैच नहीं आता हमको, हाँ भैया आप हर एक वर्ड को अच्छे से लिखा करो प्लीज ठीक है, प्लीज, हम बोल रहे हैं हाँ ठीक है, आपसे ध्यान रखिएगा, एकदम ईज होता है ना, वो भी नहीं छोड़ना, ऊपर का बिंदी भी देखा करो, ठीक है।
हाँ ये तुम ऐसे सार्कास्म में बोल रहे हैं या फिर काम करो सर, रियली बोल ऑटो वाला हैंडराइटिंग का जो ऑप्शन होता है ना वो लगा दो बस। रहे हैं? नहीं बस ऐसा सच एक बोल ऑप्शन भैया रखो कि तीन चार लोग को आप म्यूट कर सके। पहला नाम अनुष्का का होना चाहिए उसमें से नंबर 1। ओहो बेटा हम तुम्हारे लिए ही बोल रहा था। तभी हम तुम्हारे ऊपर बैकफायर कर दे, हमको पता था। ओ यार कंट्रोवर्सी अच्छा हो रहा है ये। हाँ मैं यही माता बस दूंगी। कंट्रोवर्सी में बैठा रहता है पता नहीं क्यों। ठीक लिया था। सबमिट लिख लिया ठीक है। हाँ हाँ अब सीधा आ जाओ इलुस्ट्रेशन नंबर 9। बाकी तुम्हें कुछ नहीं करना, बेकार चीजें जो हम समझाए वो नहीं, किसी का बैकग्राउंड हो रहा है। सीधा आओ इलुस्ट्रेशन नंबर 9, उसका ऊपर का सब बेकार है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं डालता है डेसिमल निकाल के, डोंट वरी। तो सब छोड़ो, इलुस्ट्रेशन नंबर 9 आओ, सबको दिखा रहा है। एग्जाम में ये सब टेबल बनाने का जरूरत नहीं है, टेंशन मत लो ठीक है। क्लियर, हाँ हाँ स्टार्ट करें हम सर लिमिट कुछ ठीक इलस्ट्रेशन नंबर था। 9। अब हमको बताना फंक्शन क्या दिया हुआ जा रहा, ठीक है। हम व्हाइट पेज में जा रहे हैं, हाँ बोले लिखना स्टार्ट एफ ऑफ करो। एक्स इज इक्वल्स टू, तीन केस है, गिवेन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस टू जिसमें 0 बड़ा है एक्स से, पहला केस। एंड सेकेंड केस इज इक्वल्स टू 0 उसमें एक्स इज इक्वल्स टू 0, और तीसरा में एक्स प्लस टू इसमें एक्स बड़ा है 0 से। अभी बताओ आप गलत क्या यहाँ पे जीरो का गलत जगह, लिखा, ठीक हम ठीक कर रहे हैं तीसरा क्या वाला यहाँ गलत ठीक कर रहे हैं? आप ठीक कर रहे चेंज हैं, कर दिया ऊपर नीचे, ऊपर नीचे गलत साइन चेंज कर दिया। हो गया हो गया। अब खत्म, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, सुनो खाली मेरा बात। हम बोल रहा है देखो यहाँ पे जीरो का लेफ्ट साइड और राइट साइड अलग अलग फंक्शन है। हाँ यार हाँ तो ऑब्वियसली यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट का सवाल आएगा, हाँ पक्का बट तीन है ना केस को। क्या? हाँ हाँ छोड़ो इग्नोर। ठीक है तो देखो तो तीन से क्या फर्क पड़ता है, देखो फटाफट। तो लेफ्ट हैंड चलो लिमिट सुनिए तो ये क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स इक्वल टू, एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एफ एक्स का जगह 0 माइनस, मतलब क्या 0 से छोटा, 0 से छोटा के लिए कौन सा फंक्शन है, कौन सा एक्स फंक्शन है? माइनस एक्स टू, एक्स एक्स प्लस टू, माइनस एक्स माइनस एक्स टू प्लस ओ एक्स माइनस टू, सॉरी। अब बस कुछ नहीं करना है, अब लिमिट हटाएगा तो बैठा देगा तो क्या होगा, 0 माइनस टू इक्वल टू माइनस टू होगा। लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स क्या है, एक्स प्लस टू लिमिट एक्स प्लस टू बिकॉज 0 प्लस मतलब ग्रेटर देन 0। हाँ बैठा दो क्या होगा, 0 प्लस टू क्या आ रहा है, होगा टू क्या इक्वल है? नहीं सो लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, एक्चुअली ऐसे लिखना ही ज़्यादा बेहतर होता, इज नॉट इक्वल टू ओके लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस, हम यहाँ आर एच एल लिखना भूल गया, एफ एक्स। दो एफ जीरो इज डिफाइंड, एफ जीरो कितना है, जीरो सो ऑब्वियसली लिमिट डज नॉट, एग्जिस्ट। सो देयर फॉर लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम, भैया वर्ड समझ में आ रहा है? हाँ इसमें हम प्रॉपरली लिख रहा है, एक एक अल्फाबेट जोड़ के नहीं लिख रहा, मतलब थैंक यू, मेरा सिर दर्द कम होगा। उतार लो और देखो कोई डाउट। टफ देखो आपका हैंडराइटिंग में सिर टफ दर्द बोल रहा है लगा है? कोई बात नहीं, हैंडराइटिंग है तो है। टफ लगा ये किसी को भी? सर। नहीं इजी है ये, टफ नहीं है बोला, लिमिट बहुत इजी है।
फिर डीराइवेटिव आप हमको इजी डराया है। कि सबसे पहले जब क्लास शुरू होने से पहले तो और इजी कि है, आप शुरू होने इसका दो क्लास, कैलकुलस तब है, मजा ही कैलकुलस तो करेगा। पानी ही पानी है। सच में भैया बहुत हाँ मजा आता है कैलकुलस करके। एक्चुअली देखो मजा आता है, जिसको मजा आता है हम वो फिजिक्स उसी का चीज को बेसिक कैलकुलस में समझ पढ़ा है, लेगा। हमको तो मजा आया था, बस हमको आगे बताना। जिसको कैलकुलस समझ में कैलकुलस आ तो गया वही हो वो गया ना, उसी चीज। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। हाँ हाँ वही क्लास वही इलेवन वही ट्वेल्व में मिलेगा सेम, डिटेल्स में, 10 में, 11 में नहीं है वो। हमको तो वही हम समझ लोग में आता था, को तो जब से मॉडलिंग में पीछे है ही पढ़ा नहीं रहा भैया था। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स किसी और ना ही को रिलेशन एंड इंटीग्रेशन या फंक्शंस है। डिफरेंशिएशन में बहुत अरे प्रॉब्लम है। ए जेई का इतना सारा मॉडल दिया तुमने, कि मॉडल में कुछ होता क्यों नहीं, हमको समझ में नहीं आता। मतलब अलग अलग टॉपिक का तो अलग अलग मॉडल का बुक बनाया हुआ हम देखा है मेरा दोस्त का, अरे मतलब रिश्ता मॉडल मतलब कुछ है ही नहीं। क्या सॉल्व कर लिया वो सब? कौन सा चल देखो, बेटा तुमको चलो बोलेगा तो तुमको अगली बार कुछ बोलने भेजेगा तो तुम नहीं भेजेगा, नहीं इसलिए किया, लेना। दुख दर्द पीड़ा। मतलब पार्शियलाइज़ पॉलिसी सबसे पहला काम वही किए कि हम भेजा है, हम बोला वरना 2 गाली सुनने को मिलेगा मेरे को। अरे अरे यहाँ देखो इलस्ट्रेशन नंबर 10। अरे एक बार 9 का वापस सिखा देना ना फटाफट, मेरे को लोग में 1 मिनट चलूंगा, 1 मिनट भी नहीं चलूंगा। दिखा रहा दिखा रहा। बोलो ये चैप्टर नंबर कितना है? ट्वेल्थ है, 5 ट्वेल्थ में आया है। 13 13 13 हम लोग का नया वाला बुक में तो 12 है, मेरा वाला में नया वाला न्यू बुक में 12 है। एनसीईआरटी। तो हाँ भैया मेरा में भी 12 है। पीडीएफ से देख रहे, बुक खोज के नहीं रहता हूँ। पीडीएफ छोड़, पीडीएफ मेरा पुराना सिलेबस वाला डाउनलोड हुआ। ठीक है नहीं हम भी ए वहां बुक पड़ा है टेबल पे, पर यहाँ आराम से बैठा है तो लैपटॉप नहीं दिख रहे मेरे को। वैसे मेरे को पुराना वाला मैथ्स का भेजा नहीं, तो तुम बोला ना तुम्हारे पास पीडीएफ नाइन है। सेट्स मैथ्स का नहीं है ना, मैथ्स का तो आपको बोला था ना भेजना, ओ बाकी भाई मिल ठीक जाएगा है ठीक है, हमको मैथ्स का भेजना। भैया प्लीज भेज देगा मेरे को। सेट्स का भी रिसेंड नहीं किया, कब से बोल ही रहा मैं आपको। अभी क्लास के बाद याद दिलवाना, हम इमीडिएटली फॉरवर्ड करेगा। ठीक ठीक है स्वयं। जी हाँ सर एकदम धन्यवाद कृपा करने के लिए। सौभाग्य मेरा। अरे बाप रे, ऐसा लग रहा हम गुरुकुल काल में पहुंच गया। हमें भी ऐसा लग रहा है हम कोई दो तीन कांजड़ा भी परंपरा देख के बैठ प्रतिष्ठा गया। अनुशासन, अच्छा ये तुम हमारे लोग गुरुकुल के डेटा एंट्री का तीन नियम है, फंक्शन सबको ये मॉड्यूलर फॉलो फंक्शन तो नहीं। पढ़ाया ही था याद है? हाँ पढ़ाया था, वो इस चैप्टर में काम आने वाला वापस है। पढ़ा देना, भूल गया हम, भूल गए ओके कोई वो इस चैप्टर में काम आएगा, अब किसको कितना याद है वो बात नहीं। बताएगा। कौन सा चैप्टर में था वो सर, सेट्स में था क्या, भूल रिलेशन फंक्शन नहीं क्या या गया रिलेशन फंक्शन। अरे वेट 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 वेट, सही बोले ना? सर सेट का हम एक क्लास मिस किए ना सर, संडे वाला आप क्या होगा तुम? करवाया था कि नहीं करा था, संडे में हमको याद नहीं है, 4:30 बजे कराने वाला था आपको, आप करवाया करवाया शायद। हाँ करवाया था, हम करवाया नहीं किया था। चलो कंटिन्यू करें कृपया अरे करवाया था भैया करके। होने हेलो वाले। आप हम पे कृपा करो भैया, तो इलस्ट्रेशन नंबर 10 खुद से कर लेना, सेम है कहानी। ठीक है थैंक हम थोड़ा सा आगे बढ़ता है, यू। और ये टेबल वेबल बनाने की जरूरत नहीं है, डोंट अभी वरी। तो बोला इलस्ट्रेशन 10 लिखो, नहीं बोला, अब ये थ्योरम तुम लोग यहीं से उतार लो, सीधा ये उतारो, मतलब ये सब डिटेल नहीं लिखना है। ओके डिटेल में लिखो सीधा, ये और ये उतारो और ये उतारो। इनडायरेक्टली ये बोल रहा है कि लिमिट भी अलजेब्रिक को फॉलो करता है, हम लोग प्लस में अलग कर सकता है, माइनस में अलग कर सकता है, मल्टीप्लाई में अलग कर सकता है, डिवीजन में अलग कर सकता है। ठीक है देखो, ओके लिमिट एफ एक्स प्लस जी एक्सिस, लिमिट एफ एक्स प्लस लिमिट जी एक्स, खाली पर याद ना प्रोवाइडेड ये अलग अलग एग्जिस्ट करता हो, ऐसा नहीं होना चाहिए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ लिखा देखो प्रोवाइडेड दिस टू एग्जिस्ट, स्टेटमेंट पे लिखना है या फिर नहीं नहीं डायरेक्ट लिखो, स्टेटमेंट नहीं चाहिए, स्टेटमेंट नहीं ये भी चाहिए, लिखना है क्या, लेट एफ एंड नहीं जी बी चाहिए टू वो, फंक्शंस डायरेक्ट एज स्टेटमेंट लिखो ना, द प्रॉपर्टीज बोल के लिख दो।
प्रॉपर्टीज, चार प्रॉपर्टी लिख दो, उतार लो ये। और एक थ्योरम ही चीज, लिख दिया तो थ्योरम यहाँ हमारे अगर पढ़ में डिनोमिनेटर आया है तो ऑब्वियसली चार। दिस नॉट इक्वल टू जीरो, हाँ भैया इसके साइड जी में ऑफ लिख एक्स देना, नॉट इक्वल साइड में लिख देना लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स जी नॉट इक्वल टू जीरो, ये पर्टिकुलरली इसके लिए आएगा डिवीजन वाला के लिए। रुको रुको थोड़ा सा ऊपर करो। अच्छा और ये नंबर फाइव बोल के लिख देना, मेरे पास तो बुक है भैया ये लैम। अच्छा ये अलग से कुछ लैम्डा इज अ कांस्टेंट कांस्टेंट, लगाया हुआ है ना लैम्डा इज अ आगे कांस्टेंट। फंक्शन। हाँ हाँ फंक्शन के आगे हाँ कांस्टेंट। मतलब फंक्शन का आगे कुछ मल्टीप्लाइड है तो बाहर आ जाएगा। हाँ हाँ ठीक फॉर है एग्जांपल ठीक इसका है। एग्जांपल हम ये भी दिखा देता है, लिमिट एक्स टेंस टू ए ट्वाइस एक्स, हम लोग डायरेक्ट बैठा देता पर ऐसे भी लिख सकता है, टू बाहर आ गया और लिमिट एक्स एक्स टेंस टू ए फिर एक्स, तो कांस्टेंट को बाहर ला सकता है, हाँ कहने का मतलब वही है। इनडायरेक्टली हम लोग ठीक बैठा ही देता हाँ डायरेक्टली, मीनिंग तो सेम है, वन मीनिंग नंबर सेम है। दिखाना है एक बार। बुक नहीं है तुम लोग के पास? मेरे पास तो एमबुक से ही देखते हो। मेरे पास भी ये बुक से लिख रहा थोड़ा दूर में रखा हुआ है, व्योम नेक्स्ट वो टाइम लेके से आया बुक सामने भैया रखना, जान मुझ के नहीं लेके आ नेक्स्ट टाइम रहे से अपना अपना बुक सामने रखना, सामने ही हम एकदम पीडीएफ सेंड कर लैपटॉप देंगे। के ऊपर। मेरे को ऐसे दिख रहा है मतलब बुक यहाँ से बैठा बैठा बस लालच उठा लाग गया के ले भाई, आओ यार से नहीं आलसी। लेके आ रहे। देख रहे आप कैसे कर रहे हैं क्लास में। कोई बात नहीं, थोड़ा मेरा क्या है, आलसी बोलना हमको ऑपरेटिंग धोखा पे देना थोड़ा मत इस पे यार, मैं थोड़ा गुरु, आलसी बोलता है। है ना? सही बात है गुरु भाई। को धोखा देना सबसे बड़ा पाप है, पता है ना व्यू? बड़े बाप रे अरे मार भैया ऐसे बोल दिया दिया रुको उसके लेके पता नहीं सर और ऐसे फिर पता है बोल दिया उस भैया। धोखा का झटका में जो गुरु का मन में जो दुख प्रकट होगा और उस दुख से जो ओ मन से ले आया भैया ले आया उस दुख के ले आया। चक्कर यार में जो मन से अभिश्राप मैं बोला निकलेगा एक और बुक वो कहीं से सच और में ले आएगा लगता मतलब है। दो दो बुक लेके बैठेगा अरे मतलब भैया पूरा दो ले दो आया, बुक। तब तो आपका श्राप कितनों को लग चुका होगा अभी हम तो तो किसी को दिया पता नहीं नहीं है ना, कितना लोग ऊपर भी पहुंच चुका होगा अनुष्का अभी हम किसी को दिया नहीं अब तक, डोंट वरी। सर पता नहीं कितने मेरे लोग को ऊपर भी पेज पहुंच नंबर चुके बता दो, होंगे अभी किसी का तक। भी बुरा नहीं चाहा हाँ है। भैया दो सौ दोस्तों मिल गया, टू टू ट्वेंटी ट्वेंटी एट एट मिल गया, टू ट्वेंटी मिल नाइन गया, मिल गया, टू ट्वेंटी ट्वेंटी एट एट है। अल्लाह कम हाँ कर दिया, एट ट्वेंटी एट अभी ट्वेंटी एट है। दोनों खोल दो यार खुलने से दोनों ही चुप खुलेगा ना रहो यार, जो रिकॉर्डिंग यार देख भैया रहा होगा लोग बहुत क्या सोचेगा, इरिटेटेड हो गए हैं। हाँ उसको आ रहे हैं अब मैं रिकॉर्डिंग बर्बाद मत करो तो तुम लोग सब, तो वो पूछ रहा था तो एक बताएगा बार नहीं बोल दिया ना क्या तो खत्म ना, रिपीट क्यों कर रहे चार सब बार लोग? बताते हैं तो हम पहले भाई बोला था लेकिन अब मेरे को क्यों बोल रहे। हम यार चुप चुप दोनों चुप, हम थे ना पहले दोनों बोला था चुप, लेकिन हम पहले बोला था सॉरी दोनों चुप, ये उतार लिया, नहीं मैं रिकॉर्डिंग खराब पहला कर रहा तुम पॉइंट लोग ही सब ठीक मिलके। रहा तो। एक तो ये हम पहले बोला था सॉरी क्यों बोला बाद में छोड़ो जस्टिफिकेशन। यार चुप, हाथ जोड़ रहा हूँ सबसे, एबा रिकॉर्डिंग पॉज कर दो हमको टाइम लगेगा 2 मिनट लिखो कोई बात नहीं, सही बोला और रिकॉर्डिंग आज कर से क्लास लेंगे, खत्म इजी कर दो कंट्रोल सी बाय। वाला अरे जाएगा, बाप तुम जा सकता, बाय। हाँ चलो अब ये चीज देखो, नहीं लिखने से भी चलेगा, क्या बोला, लिमिट्स ऑफ पॉलिनोमियल रेशनल फंक्शन, ऑब्वियस सी बात है पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स एंड रेशनल फंक्शन मतलब क्या, एफ एक्स जो भी वो पॉलिनोमियल होगा इन डिग्री है एन, जैसे कि एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट, ये फॉर्मेट कभी मिला है नहीं मिला अभी तक साइंस में तुम लोगों को, ए वन एक्स तो प्लस ए टू मैथ्स में एक्स मिला स्क्वायर था। प्लस हाँ डॉट डॉट मिला डॉट मेरे को प्लस थोड़ा ए सा एन एक्स पावर एन, यानी कि इसका हाईएस्ट पावर एन है तो डिग्री एन है, प्रोवाइडेड ए एन नॉट इक्वल टू जीरो। इसको हम लोग ऐसे भी लिखता है समेशन ए आई एक्स आई एक्स पावर आई, जहाँ पे आई इक्वल टू जीरो टू एन, कोई डाउट? तो ये इसी को बोलता है पॉलिनोमियल फंक्शन, कोई डाउट? रैशनल फंक्शन किसको बोलता है, इस फॉर्मेट को एफ एक्स बाय जी एक्स, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो देखो कुछ खास नहीं किया, क्या किया है अगर इस पॉलिनोमियल फंक्शन का लिमिट लेता है, सिंस एडिशन है तो क्या लिमिट अलग हो जाएगा, होगा? सिंस कांस्टेंट टर्म है तो देखो कांस्टेंट टर्म सब में बाहर आ गया, बाहर आ जाएगा। उसके बाद क्या क्या लिमिट बैठा है तो है खत्म, कोई प्रॉब्लम? सिमिलरली फंक्शन एफ इज सेड टू बी रैशनल फंक्शन अगर एफ एक्स क्या है जी एक्स बाई एच एक्स, जहाँ पे ऑब्वियसली एच एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, बाकी कहानी वही है, देखो लिमिट बैठाया फिर बाय प्रॉपर्टीज लिमिट अलग हुआ और एक्स का जगह ये बैठा दिया, कोई प्रॉब्लम?
ठीक है। क्लियर? आगे बढ़े। अब यहाँ पे दो सीनेरियो बनता है। हाँ, मान लो जी ए जीरो है, जी ए नॉट इक्वल टू जीरो है और एच एक्स जीरो है, तो ऑब्वियस बात है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। कोई प्रॉब्लम? ठीक है। हेलो, ठीक है। अरे तुम लोग जब रिप्लाई नहीं देता ना, हमको इसलिए अच्छा नहीं लगता। हाँ भैया ठीक है सर। हेलो सर, हाँ मेरा नेट थोड़ा सा कट ऑफ हो गया था, तो जब अभी आप समझाया थ्योरम वन के बाद वो सारा वापस हम एक बार वही बोला रिपीट। जी ए बाई एच ए। तो अगर तुम्हारा एच ए इक्वल टू जीरो है और जी ए नॉट इक्वल टू जीरो है, मतलब क्या हुआ? डिनोमिनेटर जीरो हो जाने से क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगा? नहीं बट मान लो जी ए भी जीरो है, तो मतलब ये क्या बन गया, जीरो बाई जीरो फॉर्म बना तो लिया। कर सकता। हाँ उस केस में देयर माइट बी ए चांस से ये लिमिट एग्जिस्ट कर सकता है, तो हमको बस थोड़ा सा खेल खेलना पड़ेगा। नहीं भी कर सकता डेफिनेटली, ऐसा नहीं करेगा ही, पर कर भी सकता है, वो डिपेंड करेगा फंक्शन क्या है। तो ऐसा नहीं है जीरो बाई जीरो फॉर्म हो गया तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, कर भी सकता है। पर अगर न्यूमरेटर नॉन जीरो है और डिनोमिनेटर जीरो है, तब तो कन्फर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा। कोई डाउट? इसको नहीं कैसे सॉल्व करना वो हम लोग आएगा, मिलेगा बहुत सारा फंक्शन मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स। बताओ जब एक्स का वैल्यू जीरो बैठा था, ये क्या बन रहा है? इसका वैल्यू क्या बिठाता है? जीरो हाँ, क्या बनेगा? दो बाई जीरो साइन जीरो बाई जीरो। जीरो और साइन साइन जीरो जीरो का बाई वैल्यू तो जीरो जीरो होता है, जीरो होता है। जीरो बाई जीरो हाँ जीरो तो होता इसका है। मतलब जीरो इसका बाई लिमिट जीरो एग्जिस्ट नहीं करता। इसका लिमिट एग्जिस्ट करता है और इसका वैल्यू होता है वन। तो वही हम बोल रहा है कि अगर जीरो बाई जीरो फॉर्म हो जाए, देयर माइट बी ए चांस दैट लिमिट मे एग्जिस्ट। तो हम ठीक लोग है? कैसे पता देगा कि कौन सा अरे केस में पता लिमिट चल माइट जाएगा जब एग्जिस्ट और सम्स मे आएगा, नॉट तो एग्जिस्ट। जब सम्स आएगा तो पता चल जाएगा। फिर भी तो कोई तो एक क्राइटेरिया आज बता कोई दो। क्राइटेरिया नहीं है, सम्स आएगा तो पता चलेगा, वो सम पे डिपेंड करेगा। जरूरी थोड़ी ना कि उतना वही सम्स आएगा जिसमें हम लोग कर अरे ही वो प्रैक्टिस जाएगा। करते करते तुमको खुद को आइडिया हो जाएगा यार, फॉर्मेट सेम होता है। अच्छा आगे बढ़े वैसे तो सर, हर चीज़ तो फॉर्मूला आज सीख के क्वेश्चन सेम शुरू करते हैं। करवाएगा नहीं तुम बस देखो, चुप रहो। तो क्या? ऐसे क्यों बोलते हैं? अब एग्जाम्पल वन देखो, हम कॉपी में नहीं लिखेगा, तुम लोग उतारो कॉपी में। एग्जाम्पल वन का वन, लिमिट एक्स टेंस टू वन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन। ऑब्वियस सा बात है, लेफ्ट या राइट का कोई झोल नहीं है, तो सीधा एक्स का वैल्यू बैठा दो, आंसर आ गया। देखो कोई प्रॉब्लम? सीधा लिमिट हटा दिया, एक्स का वैल्यू बैठा दिया। क्लियर? नहीं सर। तो कर लो फटाफट, वन टू हाँ थ्री मतलब ये कर हाँ लो, सर। वन टू थ्री सेम है, कर लो फटाफट। वन टू थ्री अभी कभी कर लो, हम वीडियो पॉज कर रहे हैं। तो देखो एग्जाम्पल टू का नंबर वन तो डायरेक्ट है, क्या करना है, जस्ट बैठा दो। तो वन स्क्वायर प्लस वन बाय वन प्लस 100 कितना आएगा? 2 बाय 101। कोई प्रॉब्लम आएगा? ठीक है। सबको एग्री करता है? हाँ भैया। अब नंबर टू हाँ बताओ, क्या नंबर टू में डायरेक्ट पुट करने से आ रहा है? जीरो आ रहा है वो। हाँ तो रे आंसर फोर जीरो माइनस फोर। हाँ 0 आएगा। बाई जीरो फॉर्म आ रहा है ना वो तो। हाँ बाई 0 बाय 0 आ रहेगा। 4 16 16 माइनस हाँ 16 हाँ 48। जीरो बाई हाँ 0 बाय 0 फॉर्म आ रहा है। हमको बताना तो क्या है? एक्स स्क्वायर -4 लिमिट एक्स टेंस टू टू, बताओ एक्स स्क्वायर एक्स है स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस है? फोर एक्स स्क्वायर एक्स माइनस क्यूब फोर है, स्क्वायर तुम कौन सा क्वेश्चन देख रहे हो, तुम जानते हो। एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर। ओ हम 3 देख रहे हैं। 3 भी 0 बाई 0 है। वो तो है ही कि सर नंबर आप शुरू क्वेश्चन कर दिया। उतार रहा है वो। अच्छा अच्छा ठीक है।
अब देखो, जब एक्स का वैल्यू बैठा रहा है, क्या ये 0/0 फॉर्म बन रहा है? एट तो माइनस रिजॉल्व करना पड़ेगा। चुको। हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तुम देख सकते हो ऊपर से एक्स कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x+4। हाँ या ना? माइनस 4x+4। ठीक है, और एक्स स्क्वायर माइनस 4 को क्या लिख सकता है, एक्स माइनस 2। एक्स माइनस एक्स प्लस टू ठीक है, ऊपर वाला और सॉल्व होगा कैसे? एक्स माइनस टू का बनेगा, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। ऑब्वियसली डायरेक्टली ऑब्जर्व कर पा रहे सब लोग? हाँ एकदम। एक्स इंटू एक्स माइनस टू होल स्क्वायर बाय एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू, अब कट जाएगा। हाँ कट गया, यहाँ पे एक्स माइनस टू ही वो फैक्टर था जो 0/0 बना रहा था, इसलिए स्क्वायर हाँ। और ये कट गया, तो क्या बचा ऊपर, एक्स एक्स माइनस टू बाय एक्स प्लस टू। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं टू अपना अब जीरो बैठा दो टू, जीरो बाय तो अपना फोर हो गया जी, 1/4। आंसर क्या आएगा, आंसर क्या जीरो आएगा, ही तो आएगा। हाँ क्या आएगा आंसर, जीरो ही आएगा, जीरो आएगा, कोई डाउट? नहीं, बिकॉज़ 2 - 2 क्या होता है, जीरो होता है, हेंस जीरो। चेक कर लो और उतार लो, कोई डाउट? नहीं सर। अब एक चीज तुम बताओ, यही नंबर 3 इसका उल्टा दिया है नहीं दिया है? एक सेकंड देखने, तो 2 का 3 ना। हाँ एग्जांपल 2 का 3, एग्जांपल 2 का 3। हाँ तो जस्ट जब सॉल्व पॉजिटिव तो है, जब सॉल्व करेगा बस नीचे ऊपर आना नीचे आ। हाँ फंक्शन ठीक उल्टा हो जाएगा ना। हाँ क्या बनेगा, एक्स प्लस टू बाय एक्स इंटू एक्स प्लस टू बाय एक्स इंटू एक्स माइनस टू। बट वो रिजॉल्व करने के बाद भी अभी भी वन, अब तो डिनोमिनेटर 0 है, भले न्यूमरेटर ना हो, है नहीं? हाँ अब तो समथिंग हाँ, का 0 हाँ, आ गया, तो वो तो ऐसे भी डिफाइन नहीं होता है, हाँ, तो अब लिखना विच इज नॉट डिफाइन हाँ नॉट बिकॉज़ हाँ सर डिनोमिनेटर समझ टेंड्स टू 0। गुड आउट, बाकी दो ना होमवर्क दे देगा हम करने, हम लोग कोशिश तो करने दो हम लोग। तुम लोग इसलिए, तुम इसलिए बोल रहे हो बिकॉज़ भैया चाहिए सर, सर अगर जीसी होम प्रॉब्लम प्रॉब्लम है चारों तरफ से, अगर होमवर्क मांगे तो प्रॉब्लम, नहीं मांगे तब भी प्रॉब्लम। वही तो, चलो ट्राई करना नंबर 4-5, नहीं सकेगा तो हम करवा देगा। चलो आज का क्लास इतना, अगर हम लोग डिनोमिनेटर में वैल्यू पुट करें ही नहीं, खाली न्यूमरेटर में पुट करके दिखा दे कि 0 हो रहा है, तब तो मेरा प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व। हाँ पर डिनोमिनेटर भी 0 तो हो रहा ना, तुम पुट ना करो तो ये सच्चाई बदल तो नहीं जाएगा ना, तुम पुट नहीं करने से क्या सच्चाई बदल जाएगा जो डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा है? तो अल्टीमेटली वो वैल्यू को तो चेंज कर ही रहा है डिनोमिनेटर, बिकॉज जब तुम ओवरऑल फाइनल वैल्यू निकालेगा डिनोमिनेटर लेना ही पड़ेगा तुमको अंडर कंसिडरेशन, ठीक है ना? तो 4/0 आया विच इज नॉट डिफाइंड, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो नंबर 3 तक 3 उतार लेना खुद से, 4-5 ट्राई करना। देखो 4 कुछ नहीं है, वही किया है, तुम देखिएगा 4 नंबर भी वो कट गया, x-2 x-2 आफ्टर सॉल्विंग। और 5 नंबर भी अगर यहाँ देखिएगा तुम चेक कर सकते, देखो डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन आ रहा है, तो इसको पहले अलग से सॉल्व कर दिया, लिमिट रख के सॉल्व नहीं किया, तुम चाहे तो लिमिट रख के भी करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? पहले पहले अलग से सॉल्व किया, तो जब सॉल्व कर ही रहा था पूरा ही सॉल्व कर लेता यार, लिमिट के बाद फिर आधा सॉल्व किया, तुम्हारा चॉइस है, तुम जैसे रिजॉल्व करना चाहता करो, कोई डाउट? नहीं तो ट्राई करना, हो जाए तो अच्छा बात है, नहीं होगा तो हम है ही। बताइए सर। अच्छा आप रुकना 2 मिनट, तो ये मत सोचना कि यहाँ पे ये समथिंग बाय 0 बन रहा है तो ये नॉट डिफाइन है तो आंसर नॉट डिफाइन होगा, नहीं उसके बाद भी देखो, बिकॉज यहाँ पे 2 पार्ट में है, क्या पता कुछ हो रहा हो। चलो नंबर 5 फिर भी हम कल थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर देगा, 4 तक को फिर भी करके रखना, ठीक है? हम रिकॉर्डिंग ऑफ कर दें। हाँ सर, हाँ सर।